हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत। और आज की मेरी वीडियो है कि आप अपने फ़ोन में जब आपको कॉल आती होगी तो आपको देखना पड़ता है कि किसकी कॉल आई। अगर आपकी फ़ोन थोड़ी दूर में पड़ी है तो आपको ये पता नहीं चल पाता है कि किसकी फ़ोन आ रही है उसमें, तो आपको वहाँ उठ के जाना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और कॉलर नेम टॉकर नाम का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें कई सारे आपको मिलेंगे। मैंने जो किया मैं वो बता रहा हूँ, आप देख लेंगे। जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी हो वो आप कर लें और जिसमें रिव्यू अच्छे हो वही वाला आप करें। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, मैंने टॉकर नाम का करके रखा है। इसे आपको ऑन कर देना, SMS, कॉल, बैटरी अलर्ट सब कुछ आप ऑन कर देंगे। ये जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, अगर नहीं हो तो आप ऑन कर लेंगे। उसके बाद आपको जो कॉल आएगी तो उसमें आपका नेम बताया जाएगा कि किसके द्वारा आपको फ़ोन की जा रही है। तो जैसे कि मैं अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ कॉल करवा कर, आप सुनेंगे। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि मैंने इसमें अपनी एक रिंग टोन बनाई है पर्सनल नेम से, तो वो भी पर्सनल नेम से जो मेरी रिंग टोन है वो भी साथ में सुनाई देगी आपको। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़े आप क्लियरली ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा कि इसमें बताया जाएगा कि किसके द्वारा मुझे फ़ोन की जा रही है। जय कृष्ण कॉलिंग, प्लीज पिक अप द फोन। जय कुमार, प्लीज पिक अप द फोन। कृष्ण कॉलिंग, प्लीज पिक अप द फोन। कृष्ण कॉलिंग, जय कुमार। आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें पहला तो मेरा जो रिंगटोन मैंने सेट रखा है अपने पर्सनल नेम से वो आपको सुनाई दे रहा होगा, और बीच बीच में आपको सुनाई दे रहा होगा कि करिश्मा कॉलिंग। तो उस तरीके से आप भी अगर इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखेंगे तो आपको भी जो कॉलर आपको कॉल करें उनका नेम आपको पता चलेगा कि कौन आपको कॉल कर रहा है। तो अगर आपकी फ़ोन आपसे दूर भी पड़ी है तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि किसने कॉल की है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें अभी आपको बताया कि मैंने अपने नाम से रिंगटोन बनाई, इसकी भी एक मेरी वीडियो है जो मैंने अपने चैनल में अपलोड करके रखी है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि आप अपने नाम का रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।